नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, कान में लहसुन का कौर डालें और इन समस्याओं से छुटकारा पाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप कान में लहसुन का कौर डालते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्या कभी आपने कान में लहसुन डाला है? शायद ज़्यादातर लोग इस घरेलू समाधान से अवगत नहीं है दोस्तों, लेकिन तथ्य यह है कि लहसुन के कौर को कान में डालने से असंख्य लाभ हासिल होते हैं, साथ ही कई किस्म की बीमारियों से भी पार पाना हो तो लहसुन का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि कान में लहसुन का कौर डालने से क्या होता है? आइए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कान में दर्द होना, यदि आपके कान में दर्द है तो लहसुन के कौर कान में डाले रखने से दर्द में राहत मिलती है दोस्तों। इसके लिए आपको किसी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कान में लहसुन डालने से सबसे पहले कान गर्म होने का एहसास होता है दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे दर्द से राहत मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लहसुन का कोई साइड इफ़ेक्ट या नकारात्मक प्रभाव नहीं है दोस्तों। इसीलिए लहसुन के कौर वैसे सामान्यतः रात को सोते समय कान में लगाना लाभकारी होता है, और इसीलिए लहसुन लाभकारी होता है दोस्तों। इन्फेक्शन, यदि आपके कान में दर्द किसी इन्फेक्शन के कारण है तो भी लहसुन का एक कौर आपकी मदद कर सकता है। दरअसल इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि इन्फेक्शन में मदद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यह बताते चलें कि यदि दर्द बहुत ज़्यादा है और वजह पता नहीं है तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि कान में जो दर्द है वह इन्फेक्शन के कारण न हो। वैसे इन्फेक्शन में भी लहसुन काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। फ्लू, जी हाँ दोस्तों, लहसुन खाने में बहुत गर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, लहसुन खाने में बहुत गर्म होता है। यही कारण है कि तमाम विशेषज्ञ लहसुन के एक कौर को सर्दियों में प्रत्येक सुबह पानी के साथ खाने को कहते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते, जैसा कि सामान्यतः हर कोई नापसंद करता है, इसके पीछे वजह इससे आ रही बदबू है। बहरहाल, यदि आप भी इसे खाने से परहेज करते हैं तो इसे अपने कान में लगा सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो फ्लू के कारण कई दफ़ा कान में दर्द का एहसास होता है। ऐसे में आप चाहें तो कान में लहसुन का कौर लगा सकते हैं, इससे जल्द आराम मिलता है। दवाई पर आश्रित रहने की आवश्यकता भी नहीं होती है दोस्तों। सूजन, जी हाँ, यदि आपके कान में सूजन है जिस कारण लगातार कान में खुजली हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी कान में लहसुन के कौर का उपयोग किया जा सकता है। इससे कान की सूजन कम होती है, साथ ही सूजन के कारण कान में आई लालिमा भी कम होती है दोस्तों, खुजली में कमी आती है। यदि सूजन के कारण किसी प्रकार की कान में जलन हो तो उससे भी लहसुन के कौर से कमी आती है दोस्तों। जर्म्स, लहसुन में जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया है कि एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, अतः यदि आपके कान में जर्म्स के कारण दर्द हो रहा है तो लहसुन में मौजूद ये प्रॉपर्टीज आपके कान को राहत देने में मददगार साबित हो सकती हैं। लहसुन के एक कौर से आप भविष्य में होने वाली कान की समस्या से भी लड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप लहसुन के कौर का उपयोग करते हैं तो भविष्य में होने वाली कान से संबंधित समस्याओं में गिरावट आती है दोस्तों। बेहतरीन तत्व, लहसुन में कई किस्म के बेहतरीन तत्व हैं। इसमें विटामिन सी और B6, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि मौजूद हैं, अतः विशेषज्ञ इसे कान में लगाने के साथ साथ खाने की सलाह भी देते हैं दोस्तों। इसे आप काट कर
किसी अन्य मिश्रण के साथ मिलाने की बजाय बेहतर है कि पूरा एक कौर पानी के साथ पिएं, आपको लाभ होगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आज हम कान में लहसुन का कौर डालने से किन किन तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इस मामले में बात किया। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।